हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक केस की बात करेंगे जिसमें पेशेंट को वोकल कॉर्ड में सिस्ट था। ये एक लेडी है, अबाउट 55 इयर्स एज है। ये दिसंबर 20 से प्रॉब्लम चल रही है। इन्होंने बोला कि इनके वोकल कॉर्ड में सिस्ट है जिससे इनकी आवाज़ हमेशा बैठी रहती है, होर्सनेस होती है, बैठी रहती है, ये बात नहीं कर सकते। पहले कम थी लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, अब तो दर्द भी होने लग गया है। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया, अंग्रेज़ी दवाई वाले डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने पता नहीं क्या अंदर डाल के, वो एंडोस्कोपी की कैमरे डाल के अंदर से चेक किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक नोड्यूल सा बन गया है। बड़ी दवाइयाँ खाई, चंडीगढ़ से भी ली, शाहबाद से ली, और भी कई जगह से ली, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत खाई। अंग्रेज़ी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने होम्योपैथी कभी खाई, तो कहते नहीं नहीं होम्योपैथी पहली बार लेने लगे हैं, कभी नहीं ली। मैंने पूछा आज क्यों होम्योपैथी का मन में आया, तो कहते कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि आप होम्योपैथी, वो हमारे डॉक्टर हैं, उनसे लीजिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपका स्वभाव कैसा है, गुस्सा गस्सा कितना आता है, चिंता फिक्र कितना करते हो, तो इन्होंने बोला कि गुस्सा तो बहुत आता है, बोल बोल देती हूँ, बोल के निकाल देती हूँ, कह देती हूँ और दो चार मिनट में ठीक, मैं नहीं अपने दिमाग में कुछ भी रखती। बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चिंता हो जाती है क्योंकि अभी अभी बच्चों की शादी की है, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ी चिंता हो जाती है, लेकिन मैं मन पे कुछ नहीं लगाती। फिर मैंने पूछा कि कोई परहेज करते हो, जैसे गले से आवाज़ नहीं निकलती, बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कोई परहेज नहीं करती, सब कुछ गर्म ठंडा सब चलता है, मैंने कभी परहेज किया ही नहीं है, मैं कभी कुछ ऐसा मैंने परवाह की ही नहीं किसी चीज़ की। तो मुझे कहते कि मैं बहुत धार्मिक विचारों वाली औरत हूँ और मैंने कुछ सुख मांगी हुई है। वो अपने धार्मिक गुरु से सुख मांगी हुई है कोई, उसके लिए मैं हर शनिवार इतवार को उस गुरुद्वारे में, फलाने गुरुद्वारे में जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, और कुछ? उन्होंने बोला कि मुझे किडनी की भी प्रॉब्लम है, मेरा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और उसकी भी मुझे दवाई चाहिए। मैंने कहा कितना बढ़ जाता है, तो उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई जिसमें इट वाज 1.8। दिस इज़ द केस। बहुत क्लियर थे रूब्रिक्स, बहुत सब कुछ क्लियर था और फॉलोअप में और ज़्यादा क्लियर हो गया। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके एनालाइज कीजिए, रूब्रिक्स लिखिए, दवाई लिखिए। चलो अब हम एनालाइज करते हैं। पहली बात उन्होंने बोली कि डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या क्या किया, अंदर डाल के वो कैमरे अंदर डाले और पता नहीं क्या क्या किया। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। व्हाट वाज दैट? एलोपैथी में तो सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा, हमने बहुत जगह पे दिखा दिया। दिस इज लाइट डिज़ायर फॉर, पेशेंट हल्का फुल्का रहना चाहता है। ये जो इतने झमेले वाली चीज़ें हैं, अंदर डाल के कैमरे, पता नहीं क्या क्या किया, कितनी दवाइयाँ दी, नो, दिस इज लाइट डिज़ायर फॉर। वो हल्का फुल्का रहना चाहता है, वो बिल्कुल भी अपने ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। दूसरी बात इन्होंने बोली कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है लेकिन मैं बोल देती हूँ, कह देती हूँ, दो मिनट में ठीक।
दिस इज एंगर मोमेंटरली, गुस्सा सिर्फ टाइम के लिए आता, बोल दिया कह दिया ठीक है, दिल में दिमाग में कुछ नहीं रहता। दिस इज एंगर मोमेंटरली, ये आपको रूब्रिक कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर एम एल सहगल साहब ने ये रूब्रिक उन्होंने बनाया कि ये पेशेंट्स गुस्सा बहुत टाइम टू टाइम, जैसे दूध के उबाल की तरह गुस्सा होता है, गुस्सा आया बोल दिया कह दिया बात खत्म। फिर इन्होंने बोला कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, ये तो ये दवाइयाँ लेनी बहुत मुश्किल होती हैं, यहाँ पे हम लाइट डिज़ायर भी ले सकते हैं और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये साथ में आता है। फिर परहेज नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते, उनकी किडनीज की भी प्रॉब्लम है फिर भी कोई परवाह नहीं करते, यहाँ पे फ्रिवलस। और जो इन्होंने एक और बात बोली कि मैं बहुत धार्मिक विचारों वाली औरत हूँ और मैंने कोई सुख मांगी हुई है, मुझे पता नहीं कि हिंदी में आप लोग जैसे मन्नत मांग लेते हैं किसी चीज़ की, तो इस तरह से सुख मांगी हुई है कि भगवान मेरी ये सुख पूरी करेगा, यहाँ पे हम उनको सुपरस्टिशियस लेते हैं, जो इन चीज़ों में वहमों भरमों में विश्वास रखते हैं बिना लॉजिक के, जो इन चीज़ों में कि मैंने सुख मांग लिया कि मेरी सुख पूरी हो जाएगी, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, वहाँ पे हम सुपरस्टिशियस लेते हैं। अगर हम ये सारे के सारे रूब्रिक्स 5-6 जो इतने इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स आए हैं, लाइट डिज़ायर, एंगर मोमेंटरली, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, सुपरस्टिशियस, अगर ये हम रूब्रिक्स लेते हैं तो इसमें एक ही हमारे पास मेडिसिन आती है, दैट इज़ बेलाडोना। ये मेरे पास लास्ट ईयर जुलाई 21 में आए थे, बेलाडोना 30 की इनको दो डोज दी और 15 डेज के लिए सैक लग दी, 15 दिन के बाद ये नहीं आए, 2 महीने के बाद आए, वो भी इनका बेटा है कि मेडिसिन बहुत सूट करी है आप रिपीट कर दीजिए। मैंने सैक लग रिपीट कर दी 15 दिन के बाद, उसके बाद 7 महीने नहीं आए, फिर किसी को भेजते हैं जो इनके रिलेटिव ने बताया था, जिन्होंने उनको भेजते हैं कि जाके मेरी दवाई प्लीज़ मुझे ला दो, फिर से इनको बेलाडोना 30 की एक डोज दे के साथ में सैक लग दे के 15 दिन का इनकी इनको दे दिया, क्योंकि कहते वो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, ऐसे बोलते और वो ले गए दवाई। उसके बाद फिर 3 महीने बीत गए। दिस इज़ द फ्रिवलसनेस ऑफ बेलाडोना, जब उनको प्रॉब्लम है तब वो आते हैं, मुड़ के वो भूल जाते हैं। आज ये केस मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज ही वो दोबारा खुद आके गए, आज उन्होंने आते सारी क्या बोला, कहते डॉक्टर साहब पिछले साल आप अमेरिका गए हुए थे तो मुझे हमारे रिलेटिव उन्होंने बताया, मैं तो वेट करती रही आपकी और जब आप आए मैं आते सारी आपके पास आ गई, और आपने जो मुझे पहली दवाई दी थी मैं तो रास्ते में जाती जाती मेरी ठीक हो गई, मेरा गला ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया, बस वो ही एक पुड़ी ने कार में जाते जाते रास्ते में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये उन्होंने बात आज बोली क्योंकि वो उस दिन के बाद खुद ही आ पाए। और आज मैंने पूछा कि आज क्यों आए हो, तो कहते कि हमने थायराइड चेक करवाया हुआ है तो वो दिखाने आए हैं, साथ में टाइफाइड भी है और थायराइड भी है। तो कई बार इस तरह से जो एलोपैथी ठीक नहीं कर सकती या एलोपैथी में सर्जरी ठीक करती है, होम्योपैथी की जस्ट एक डोज, जस्ट एक छोटी सी पोटेंसी की एक छोटी सी मेडिसिन इतना सब कुछ कर जाती है। वो बोली कि डॉक्टर साहब आपने तो मुझे बचा ही लिया। इतने में
एक और पेशेंट आते हैं, तो उनको वो बताने लगी कि डॉक्टर साहब ने मुझे कैसे ठीक किया। पहली बार में पहली डोज से ही मुझे इन्होंने बचा लिया, मेरा वो जो गले का दर्द दुर्द सब कुछ चला गया। वो जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन होगा, ये गले में एक रसौली बन गई है, सिस्ट बन गया, सब खत्म। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है कि पेशेंट दो चार बातें बोलता है, हम उसमें से उनकी मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं, और कई बार सिलेक्शन इतनी ज़बरदस्त होती है कि एक ही डोज बहुत कुछ कर जाती है। मैंने पहले भी एक वोकल कॉर्ड सिस्ट वाला केस, एक बहुत बड़े सिंगर वाला केस मैंने डाला था, जिसमें उनको बेलाडोना तो नहीं, कोई और दवाई दी थी, और दोपहर को उनको मेडिसिन दी और शाम को उन्होंने 5 गाने रिकॉर्ड किए जो कि वे पिछले 1.5 साल से नहीं कर पाए थे। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर थ्रोट या किसी और को प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि होम्योपैथी से पेशेंट्स को आराम दिलाया जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।